मुरारीलाल नर्सिंग कॉलेज सोलन में महिला दिवस का आयोजन धूमधाम के साथ किया गया। कार्यक्रम में सांसद वीरेंद्र कश्यप बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस मौके पर भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता ऋतु जेठी भी विशेष रूप से मौजूद रही। कार्यक्रम में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान सांसद वीरेंद्र कश्यप ने उपस्थित लोगों को संकल्प दिलवाया कि सभी महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य करेंगे और बेटियों को सक्षम बनाने के लिए उनकी शिक्षा में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। इस मौके पर वीरेंद्र कश्यप ने 50 की उम्र में राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में हिमाचल का नाम रोशन करने वाली महिलाओं को भी सम्मानित किया। ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने हाल ही में देहरादून में आयोजित मास्टर गेम्स में हिमाचल की झोली में गोल्ड मेडल डालकर हिमाचल का नाम रोशन किया था। उन्होंने इस मौके पर मातृशक्ति को सलाम किया और बताया कि आज महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं और देश के विकास में अहम योगदान दे रही हैं। मैं अपनी तरफ से सभी मातृशक्ति को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं और उनको इस दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आज नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से हमारी महिलाएं जो हैं, आज हम देख सकते हैं कि महिलाएं किस तरह से आगे बढ़ रही हैं। 50 प्लस जिनकी उम्र 50 साल या इससे ऊपर है, उन महिलाओं ने आज राष्ट्रीय स्तर पर हॉकी का मेडल जीत के वो आई हैं और सभी सोलन की महिलाएं हैं। मैं इन हॉकी टीम को 50 प्लस की जो है बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूं कि इससे वो आगे बढ़ें और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जाकर जो है वो हिंदुस्तान का नाम रोशन करें। आज उनको सम्मानित भी किया जा रहा है और ये तो छोटा सा सम्मान होगा, पर असली बात यही है कि उनको शक्ति के रूप में, यानी माँ दुर्गा के रूप में अगर हम आइडेंटिफाई करेंगे तो डेफिनेटली हमारी महिला शक्ति जो है वो अपने समाज में बहुत कुछ कर सकती है।